बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सबको रमजान मुबारक हो। सुभान अल्लाह यार, कल आपका और हमारा इकट्ठा दोनों का रोजा है यार। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह क्या ही बात है। और रमजान का चांद भी नजर आ गया यार। अभी तो मुझे नहीं पता किधर है, लेकिन यार नजर आ गया। सऊदी अरब में ना नजर आ गया, तो उनके साथ ही ना हमारा होता है। ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने ना अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। ठीक है यार, जो परेशान है अल्लाह इस महीने के सदके उनकी परेशानियां दूर फरमाए, और जो बे औलाद है अल्लाह उनको नेक और सालिया औलाद अता फरमाए, जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह हर एक की परेशानियां दूर फरमाए। यार दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये बरकतों वाला महीना है। इस महीने बरकतें ही बरकतें होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी आपका भाई जा रहा है रमजान की ना तैयारियां करने के लिए, क्योंकि यार आपको पता है इस महीने ना फ्रूट वगैरह इतनी चीजें ये सारी ना अभी मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। क्या ही बात है, लेकिन यार पाकिस्तान में भी अपना ही मजा है रमजान का भी ना, तो यहाँ पर भी आपको आज मैं दिखाऊंगा, कल बल्कि इटली में यूरोप में यार रमजान किस तरह मनाते हैं बंदे, किस तरह हम सहरी करते हैं, किस तरह हम यूरोप में अफतारी करते हैं, वो सब आपके साथ यार आपका भाई ना शेयर करेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको मैं बता दूं, मैं ना अफतारी किधर करूंगा, आज मैंने घर नहीं करनी, आज मैंने करनी है किधर, मस्जिद में। कल मैं जाऊंगा मस्जिद में, तो अफतारी उधर होगी मेरी। सुभान अल्लाह, आपको दिखाऊंगा क्या खुशी है रमजान की। अल्लाह पाक का शुक्र है कि जिसने हमें ना एक दफा फिर जिंदगी दी और रमजान नसीब फरमाया। चलें, अब ना आ गया, हम पहुंच गए पाकिस्तानी शॉप पर, अंदर चलते हैं और चीजें पकड़ते हैं यहाँ से। अभी यार मैं ना शॉप के अंदर एंटर ही हूँ, तो अपने ना फैन मिले, यहाँ पर सब्सक्राइबर मिले, आप लोगों का शुक्रिया। यहाँ पर जी माज भाई ये देख लें, इधर है इन्हें ना जो मेरे सब्सक्राइबर थे ना, उनने इनको बोला कि यार आप ना यहाँ पर अजान आता रहता है उसको ना कॉल कीजिए, वो यहाँ पर आए तो फिर ना उससे हम मुलाकात करें। ठीक है, अपने वो सब्सक्राइबर आए हैं, बड़ी खुशी मिली है, आप लोगों का शुक्रिया, आप इसी तरह सपोर्ट करें। जो आए थे ना वो यार असल में ना आंटी थी, ठीक है, बहुत अच्छे बंदे थे, अल्लाह ना उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और खुशियाँ नसीब फरमाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ना हम थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताया रमज़ान के लिए ना यहाँ से खजूरें और दूसरी चीज़ें पकड़ रहे हैं, ये तलने वाली जितनी भी हैं, तो बाकी ये जो गोश्त होता ना ये सब कुछ हम ना पहले ही लेकर चले गए हैं। तो अभी यो सही बताऊँ इतनी मुझे खुशी हुई है, मुझे ऐसे पता नहीं इतनी खुशी, इतनी आपके भाई को खुशी हुई है ना, आपके भाई को सब्सक्राइबर मिले आपने यार, इसी तरह सपोर्ट करते रहें इस वीडियो पर यार, 100 लाइक तो बनते हैं ना, बनते हैं वाकई बनते हैं। तो अभी यार आगे आगे ना फिर नेक्स्ट प्लान करेंगे बड़े। चलें जी, अभी मैं चाचू की शॉप पर आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हाल है, ठीक हो? अल्लाह रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अभी जी चाचू की शॉप से ना हम पहले लेंगे रूह अफ़ज़ा, क्योंकि यार इसके बगैर तो मजा नहीं है। ये देखें रूह अफ़ज़ा या फिर जामे सीरी जो भी होगा, कर लिए मोजा आहर ला देने यार, अगू फिर कंट्रोल करना है, क्योंकि अगू फिर रमादान होने ने तो फिर असि कुछ नहीं खा सकते। और हाँ यार, आपको पता है आपका भाई वैसे नहीं जाता इनकी शॉप से ना, हर दफा ये मैं जूस पकड़ के ही लेकर जाता हूँ। अब जी बारी आ गया फ्रूट की, अभी ना यहाँ से ये पकड़ते हैं और अंदर लेकर चलते हैं। चलें, हो गया जी। अब जी हम ना MD पर आए हैं, वो देख लें। चलें जी, सबसे पहले यार स्ट्रॉबेरी, ये मेरी फेवरेट है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले कौन सी, ये जो रेड हो वो ही पकड़ते हैं, ये वाली। उसके बाद जी अंगूर का पैकेट, अभी यहाँ से ये गर्मा या फिर खकड़ी जो भी है ये पकड़ते हैं। अच्छा जी, अभी ना हम यहाँ पर पे करने लगे हैं। सबसे पहले हुसैन के लिए किंडर जॉय, उसके साथ ही ये फ्रूट मिक्स, यहाँ पर पाइनएप्पल, मायोनीज, ये वो, और दूसरी चीज़ें यहाँ पर है क्या यार, पीच का ना ये पीस है छोटे से, रिक्वेस्ट, और अंगूर है, स्ट्रॉबेरी है, बस यही चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर हाल ही है, अभी ना ये सारा सामान इसके अंदर रहते हैं। चल चल, तू अपनी वापस जगह दे जिसे ऐसा। ओए भाई साहब, वो सामने आप चेक करें, रमजान का चांद है, वो चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वापस घर आ गया, और कल के रोजे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सारी शॉपिंग कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद यार आपको मैं ना सुबह दिखाऊंगा हम यूरोप में किस तरह सहरी करते हैं, अपना रोजा गुजारते हैं, अफतारी, वो सब कुछ आपका भाई आपको दिखाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अभी जी आपको मैं सीधा ना यार सहरी के वक्त ही ना मिलता हूँ। चले चलें जी, अभी अभी मैं उठा हूँ और अभी ना वक्त है सहरी का। आपको सबसे पहले ना मैं टाइम दिखा देता हूँ क्या हुआ है। वो देखें, अभी यार 4:15 बज रही है, तो अभी आपको वही देखें यहाँ पर आया, और सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर यमी यमी पराठा, हाय हाय हाय, इसके साथ ही ना शामी कबाब, और इधर रहा दही, अंदर शुगर।
शहरी में ये मैं चीज़ें खत्म। और नीचे देख लें यहाँ पर सारे ना बैठ के अपने ना सहरी करेंगे। और आपका भाई ना अभी यार लेकिन चाय भी आएगी साथ में, वो भी ना मज़ा आएगा। वो बंद कर। और हाँ यार हम लस्सी क्यों नहीं पी रहे? आपको पता यार रमज़ान आए तो लस्सी तो बनती है ना, लेकिन क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर अभी उस तरह गर्मियाँ नहीं आई जिस तरह पाकिस्तान में आ गई, यहाँ पर अभी सर्दी है, सर्दी बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो इसीलिए फिर यार गले से गला ख़राब हो जाना, फिर बुखार हो जाना, बड़े रफड़ पड़ जाते हैं। और हाँ यार आपने भी ना मुझे अपनी दुआओं में यू ज़रूर याद रखना है, और मैं भी आपको ना ज़रूर याद रखूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें यार अगेन आप सबको रमज़ान मुबारक। ओह ये भी ना हमने गौरी बनाए हैं, पहली दफ़ा मामा जी ने बनाए हैं, परफेक्ट बने हैं। ये देखें सही अंदर चिकन चिकन आए हाय हाय वाकई चस आ गया। अब मैं दही कभी अपनी मिला यार, सुबह सुबह गले चो ही नहीं रोटी लंघती। बात सही है। और जी ये चवलो है कोई पाकिस्तान तो नहीं? बत्ती बंद हो गई यार, तुम चेक करो और पसे नेरे नेरे हो गया। अभी कोई लाइट भी ऑन करा ना नहीं हो दी। क्यों? क्योंकि हथ भी पाकिस्तान वाला काम शुरू हो गया। नहीं यार अचानक से यहाँ से ये देख ले तार टूटी है, सारी की सारी लाइट खत्म हो गई। अभी मैं ऊपर करती और लाइट ऑन करती हूँ। ये नीचे गिरा हुआ है। अभी मेरे सामने यार गर्मा गर्म चाय आ गया, जैसे चर्सी चर्स लेना छोड़ते हैं वैसा ही आपका भाई सुबह सुबह चाय नहीं छोड़। आ हा हा क्या ही शेर बोले है ना। नहीं रोज़ा रखने से पहले बंदे को ना पानी की बोतल या फिर गिलास भर के पीने चाहिए टका के यार, क्योंकि इतनी प्यास लग गया। लेकिन नहीं यहाँ पर नहीं, आपको मैं अपना ना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। यहाँ पर ना जो मैंने पिछले साल रोज़े रखे उससे पहले मैं यार प्यास यहाँ पर नहीं लगती, ना ही यहाँ पर भूख लगती है, नहीं वो कहीं नहीं लगती। लेकिन पाकिस्तान में जिस टाइम ना 6 घंटे गुजरे 5 गुजरे इतनी प्यास लगती है, भूख लगती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अब वाकई मैं अपना आपको ना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और अभी जी आपको मैं कैलेंडर दिखाता हूँ रमज़ान का ना। आ जा जी पहला रोज़ा कितने बजे बंद हो ना? 4:36 पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु हुलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना कॉलेज से वापस आ गया हूँ। यार कॉलेज से नहीं वापस आया, आके मैंने नमाज भी अदा कर ली, 2 घंटे की नींद भी पूरी कर ली, और उसके बाद कुरान पाक का सबक भी पढ़ लिया। यार वो तो ठीक है, लेकिन अभी यार आपके भाई को मुझे अभी याद आया कि आज तो मैंने स्कूल जाना है, फिर मैं मस्जिद में कैसे जा सकता हूँ? आपको मैं बताता हूँ यार, आज जुमे रात है तो आपको पता है मैं लाइसेंस का आ रहा हूँ, तो यार अल्लाह कामयाबी दे। लेकिन यार आज तो मैंने उधर जाना, जब ना अफ्तारी का टाइम है मैंने तो उधर होना है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मैंने भाई साहब के साथ भी ना बात करनी है कि यार आज मैं नहीं आ सकता क्योंकि आज मैं जाने लगा हूँ स्कूल में। हर तरफ यार स्कूल ही स्कूल, 24 घंटे स्कूल ही स्कूल की है ना मुसीबत भाई। तो अभी यार उधर जाना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूँ यार नहीं तो इतना मज़ा आना था ना, इधर मैं अफ्तारी करता सबके साथ ना बैठ के। अभी मुझे वहाँ पर क्या एक बॉटल में ना जूस भर के या फिर कोई चीज़ दूध शूध इस तरह की चीज़ भर के लेकर जानी पड़ेगी, साथ में फ्रूट्स और दूसरी चीज़ें वो मैं लेकर जाऊँगा यार। लेकिन देखें पहले रोज़ ही आपके भाई की किस्मत किस तरह की। वाह 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 क्या ही बात है यार। चलें कुछ नहीं बोल सकते, वो भी ज़रूरी है, लेकिन यार ज़रूरी पहले नमाज और रोज़े और ये चीज़ें हैं, बाद में वो काम। और हाँ यार पाकिस्तान में अपना ही मज़ा रोज़ा रखने का, वहाँ पर जो अफरा तफरी और दूसरी चीज़ें इधर जाना ये पकड़ो वो करो ये वो, यार क्या इबादत सुभान अल्लाह। आपको मैं टाइम दिखाना भूल गया हूँ, आपको मैं टाइम दिखाता हूँ, अभी तक ना मुझे प्यास लगी है ना भूख। आप बस टाइम देखें रोज़ा कितने बजे खुलना है, 6:36 पर। अभी ना 1.5 से 2 घंटे पड़े हुए हैं, तो यार लेकिन आपके भाई ने 6 बजे निकल जाना है। पाकिस्तान में भी रमज़ान है ना, तो वहाँ पर ये देख रहे इस तरह हाली रोड नहीं थे होने, वहाँ पर इतना रौनक मेला ये वो यार, जो समोसों की बाहर वो लगाते हैं यार शॉप से छोटी छोटी ठेले क्या उसे बोलते हैं समोसे पकौड़े इस तरह की चीज़ें, ओए हो यार उधर अपना ही मज़ा छोड़ दें क्योंकि आपका भाई उधर ही पैदा हुआ है, उधर का मज़ा अपना ही है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं वापस ना उधर से आ गया हूँ, लाइसेंस पार्ट आया हूँ ठीक है। लेकिन यार वहाँ पर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन किसकी? जो चीज़ें मैं ना एक डिब्बे में ना लेकर गया हुआ था, अंदर ना एक ना खजूर सी और 2 ना स्ट्रॉबेरी थी बस। तो इसके अलावा यार मैंने नहीं और बनाई क्योंकि यार सारे वो पढ़ रहे थे, तो मैं इस तरह करता हाँ भाई इस ना की हाल है ठीक है, इस तरह तो नहीं ना होता। अभी आप टाइम देखें
चोर बंदू ने 1.5 घंटा पहले रोजा खोल लिया हुआ, लेकिन आपके भाई ने भी खोल लिया, लेकिन यार खाया तो कुछ नहीं ना, सिर्फ 2 स्ट्रॉबेरी से क्या बनता है, पूरे दिन का भूखा हूं। तो अभी आप इधर आके दिखाएं सारी चीजें यार, अफ्तारी में देखें कि क्या क्या चीजें मिली हैं यहाँ पर। ये चेक करें, फ्रूट्स हैं, नान और साथ में चिकन है। इधर देख लें ये यार, ये कमाल की चीज है, अंदर जेलियां और दूसरी चीजें हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं यार, बातें मैं काम करने लगूं क्योंकि आगे गुस्सा चढ़ गया। अब तो जहर भी होना वो भी अच्छा लगेगा, जाने दो, लेकिन माशाल्लाह सुभान अल्लाह मजेदार है। अभी मैं ना सब कुछ यार खाता हूँ, इसका ना रिव्यू आपको देता हूँ, क्योंकि इस तरह की चीजें रमजान में ना चलती हैं। ब्रेड पकौड़ा, ये मजे का, सॉफ्ट है और नरम, बिल्कुल मजेदार, क्या ही बात है। ये भी हो गया, फ्रूट ने मैंने खाने, उसके बाद ये आए हाय हाय। अच्छा जी ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर यार देखिए कितनी ताकत वाली चीजें ना इन्हें डाली हुई हैं। सबसे पहले बादाम पिस्ता और नीचे जरियां और दूसरी चीजें मक्खन मलाई खोया, आय हाय हाय हाय, बहुत चीजें इन्हें डाली हुई हैं। तो अभी यार मैं सारी ना अफ्तारी अपनी ना मुकम्मल करता हूँ, सारी चीजें निपटाता हूँ, क्योंकि यार भूख ना मुझे अभी तक बहुत ज्यादा लगी हुई है। अच्छा जी आपको मैंने यार यूरोप में दिखा दिया कि किस तरह बंदे रोजा रखते हैं, मैंने अपना ही बताया, दूसरों का थोड़ी ना बताना, आपने बताया कि यहाँ पर, लेकिन एक बात है फिर यार वही मैं बात करूंगा, यहाँ पर प्यास और भूख नहीं लगती, पता नहीं क्यों नहीं लगती, अच्छी बात है लेकिन अपना ही फायदा है। तो क्या ही बात है, आपको मैंने दिखा दिया यूरोप में किस तरह करते हैं, होपफुली आपने ना वीडियो एंजॉय की होगी। तो भाजी आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।